ममता बनर्जी ने सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा दिया है और ऐसा मैं क्यों कह रही हूं क्योंकि एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। तृणमूल कांग्रेस सीट शेयरिंग को लेकर जो कांग्रेस बैठक कर रही है अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ, उस बैठक में चर्चा करने के लिए अपने नेताओं को दिल्ली नहीं भेजना चाहती। पार्टी का पहले ही बंगाल में सीट बंटवारे को लेकर अपना रुख साफ है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को सिर्फ उन्हीं दो सीटों की पेशकश की जो कांग्रेस ने 2019 में जीती थी। उससे ज्यादा जगह सियासी तौर पर ममता बनर्जी कांग्रेस को नहीं देना चाहती हैं। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। सीट शेयरिंग पर चर्चा नहीं करेगी टीएमसी। दिल्ली में कांग्रेस से चर्चा करने से टीएमसी का इनकार। टीएमसी ने सिर्फ दो सीट की ही पेशकश की है। तो बैठक में नहीं आएगी टीएमसी, मतलब ममता पेच फंसाएगी क्या? यह सवाल बड़ा हो जाता है। बिल्कुल सही है। देखिए रोमानी जी, मैं बात हमेशा ये कहता रहा हूँ कि भारतीय राजनीति, संसदीय राजनीति को आप संघात्मक राजनीति से जोड़ कर देखें। अगर ये जो क्षेत्रीय दल हैं, इन क्षेत्रीय दलों की व्यवस्था ये है क्योंकि इनका सारा वोट जो होता है, इनका सारा वोट उस भौगोलिक क्षेत्र से ही आता है और किसी भी हाल में वो नहीं चाहेंगी कि किसी राष्ट्रीय दल को वो अपना पॉलिटिकल बेस दे दें। मैं इसलिए बार बार कह रहा था, जैसे विनोद जी ने कहा कि गाड़ी चल पड़ी है, मुझे तो लगता है कि ये गाड़ी क्या चल पड़ी है, ये तो किसी शादी में जो घोड़ी होती है जिसमें दूल्हा सवार होता है उस जैसा मुझे ये घोड़ी लग रही है, क्योंकि हर दो दो मिनट पर ये रुकती जाएगी और पता नहीं 10-15 सालों के बाद जाकर कहीं इनका कोई गठबंधन तय हो जाएगा। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप देखिए कांग्रेस के पास ऐसे पूरे पूरे लोकसभा क्षेत्रों को आप देखिए, लगभग ऐसे 11 राज्य हैं जहाँ से लोकसभा में 20 से ज़्यादा सीटें आती हैं। उन राज्यों में चार राज्यों को अगर छोड़ दें, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान, इन चारों राज्यों में कांग्रेस अपने दमखम पर या अपने संगठन से चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी। कितना जीतेगी, कितना हारेगी, ये बात का प्रश्न है। तो उसके बाद रह जाता है 155 करीब सीटें ऐसी होंगी जहाँ पर कि कांग्रेस को पूरे देश में क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर लड़ना होगा और क्षेत्रीय दल कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि इतनी बड़ी रियायत कांग्रेस को वो दें। और इसलिए मुझे लगता है कि ये, और ये एक सेकेंड और मैं आपको से बस जोड़ दूं, ये इसलिए मैंने कहा ना कि ये रुकती जाएगी, वो इसलिए रुकती जाएगी कि एक तो अभी सीटों का है, दूसरा उसके बाद मुद्दों का भी आएगा। आप खुद ही देखिए कि राम जन्मभूमि मुद्दे पे ही कांग्रेस का स्वर अलग है, आम आदमी पार्टी का स्वर अलग है, अन्य जो दल हैं उनका स्वर अलग है। लेकिन प्रोफेसर साहब, जा कोई नहीं रहा 22 तारीख को। नहीं नहीं, और आपने यहाँ पर जो गाड़ी से घोड़ी पर आप बात लेकर आए, इतना मुझे लगता है हम सभी सहमत होंगे कि शादी में इस्तेमाल होने वाले जो घोड़े होते हैं या घोड़ी होती है वो बिदकती बहुत कम है और अपनी मंजिल पर सभी हुई चाल से पहुंच भी जाती है। बिदकती नहीं है लेकिन कितने बारात कितने सालों में पहुंचेगी, कितने पटाखे फूट जाने, कितने कितने घोड़ी पहुंच जाती है, जवाब मिल जाता है। ठीक है अभय जी, देखिए लोकतंत्र में बहुत सारी गतिविधियां धीमी गति से होती हैं। ठीक है, लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है कि उसकी चक्की चलती रहती है, धीमी चलती है लेकिन पीसती बारीक है। तो ये विपक्षी एकता हो रही है तो भाजपा और उसके जो हमदर्द हैं उनको हमेशा लगता है कि ये अगर नहीं हो तो बेहतर है और अगर होते होते बीच में भरवंड हो जाए तो और भी बेहतर है, क्योंकि दिक्कत होगी भाजपा को। अगर एकता हो गई तो जाहिर है कि 2019 जैसी सुविधा नहीं होगी, 2014 जैसी सुविधा नहीं होगी। कुछ हम ये नहीं कह रहे भाजपा हार जाएगी, कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो लेकिन मुझे लगता यह है कि ये एकता हो जाएगी। ये चक्की देर से चलनी शुरू हुई है, इसमें कोई शक नहीं, चंद्रचूड़ जी की बात सही है, बहुत देर चलनी शुरू हुई है, गति भी धीमी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन जो माहौल है और जो जरूरतें हैं विपक्ष की, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये गठजोड़ हो जाएंगे। ठीक है, और टीएमसी का ये जो रुख है इसको सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लिहाज से ही देखा समझा जाए या फिर कांग्रेस को ये रुख दिखाकर संदेश यहाँ पर लेफ्ट को दिया जा रहा है टीएमसी की तरफ से, ये भी तो सवाल होगा। ममता जी के बारे में आज से नहीं, जब से तृणमूल कांग्रेस बनी है उनका रुख यही रहा है। जब वो अटल जी के साथ थी तब भी रूठ जाती थी और दिल्ली आकर के जो है फिर नाराज हो जाती थी, इस्तीफा भी दे चुकी है एक बार। फिर जब वो यूपीए में आई तो आप तो याद कीजिए कि मुकुल राय रेल मंत्री थे, वो बजट जो है दिनेश त्रिवेदी ने पेश किया और पारित करवाया मुकुल राय ने। तो त्रिवेदी रेल मंत्री, दिनेश त्रिवेदी ने बजट पेश किया था रेल मंत्री के तौर पर, उनका इस्तीफा ले लिया उन्होंने, मुकुल राय को बनवा के मुकुल राय ने पारित करवाया बजट के दिन। तो ममता जी की ये राजनीतिक प्रवृत्ति कोई नई नहीं है और इसलिए मुझे लगता है कि वो इसी तरह से अपना जो है, जिसे घोड़ी की बात कर रहे थे प्रोफेसर साहब, तो घोड़ी चलती है थोड़ा टमक करके लेकिन समय पर पहुंचा देती है
उसको दूल्हे को स्टेज तक और फिर वरमाला जयमाला उसको मिल जाती है। जयमाल का कोई समय तो मैंने देखा नहीं अभी तक, मुहूर्त होता है भाई। खास करके आप देखेंगे तो उत्तर भारत में ये बारात हमेशा डिले से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं पहुंचेगी, पर क्या 2024 के चुनाव में पहुंच जाएगी, प्रश्न ये है। ये सवाल पड़ा। ABP News, आपको रखे आगे।